देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवांशी, मैनू भी इस गल की खुशी कि मैं तुम्हारे भरोसे के उपर खरी उतरी। तुम्हें हमेशा कहती सी ना कि तुसी बस सिर्फ मेरे ते भरोसा करो, क्योंकि भरोसे तो वड्डा होर कुछ नहीं हुंदा। जे भरोसा सच्चे दिल ना कीता जाए ना, पर रब भी उस भरोसे नूं पूरा करे जो थोड़ी पूरी मदद करता है। इन्नी वड्डी खबर है, मैनूं सब तो पहला मम्मा नूं फोन करके दसना चाहिए। डैड खतरे तो बाहर ने। रीठा आंटी ने तो कहा कि मैं उतो चली जावा, क्योंकि उन्होंने पति गुजर गए ने। रुक जाओ देवांशी, रुक जा देवांश। देवांश, हाले रीठा बाबी नू कुछ भी दसन की जरूरत नहीं, उन्होंने मैं आपे दस दांगी। हाँ देवांशी, फिलहाल तुसी मम्मी जी नू कुछ नहीं दसोगे। ए नयन क्यों देवांश नू रोक रही है? नयन, एक गल दस, तू ये क्यों नहीं चाहती कि देवांश रीटा भाभी नू कुछ भी दसे? की कारण है इहदे पिछे? मैनू इस टाइम जो सही लगा वो मैं कह दिता, पर तुसी दसो कि तुसी क्यों नहीं चाहते कि मम्मी जी नू कुछ भी पता लगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। पहला तू दस कि तू क्यों नहीं चाहती कि रीटा भाभी नू इस टाइम कुछ भी पता लगे? पर तुसी दोनों मैनू मम्मा नू फोन करन तो रोक क्यों रहे हो? तुहानू पता है ना मम्मा किन्ने परेशान हो रही सी। डैड बारे जानन दा उन्हां दा पूरा हक बनदा। देवांश जी, तुसी मेरे ते भरोसा रखो, पापा जी ते बिल्कुल ठीक होने तो बाद मैं आप मम्मी जी नू दसांगी कि पापा जी बिल्कुल ठीक ने। पर अजे तुसी उन्हां नू पापा जी दी सेहत बारे कुछ ना दस्यो, तुहानू इन्ना भरोसा तो है ना मेरे ते? हाँ नया, I trust you. देखो, पेशेंट नाल इन्नी गल करना ठीक नहीं है। जदों ही ठीक हो जान फिर ये सारियां गल्लां करना। प्लीज एक्सक्यूज अस। सारा खेल खत्म हो गया, इन्ने महीने की मेहनत सब मिट्टी च मिल गई। मैनू तो कोई होर ही डर सता रहा है। केड़ा डर? पहला असीं इह सोच रहे सी ना जेकर वो नयन मर गई तां साडियां सारियां मुसीबतां दा हल हो जाएगा, पर हुण उहने जिहड़ा सबूत शमशेर तक पहुँचाया ना, उस तो बाद साडे ते होर भी वड्डी मुसीबत आ सकती। इह नयन तां मरते हुए भी साडे लई खड्डा खोद के जाएगी। पहली बार ही होया किसी ने सानू इन्नी बुरी तरह हराया है, ते असी बदले च कुछ कर भी नहीं पा रहे। कुछ भी हो जाए, अज जो नैन बच के वापस नहीं आनी चाहिए, वो तो मर जाना ही सही है। सर, फिलहाल तुसी पेशेंट नू नहीं मिल सकते, तुहानू हले बाहर जाना पड़ेगा। सिस्टर प्लीज, मैं थोड़ा टाइम डैड नाल स्पेंड करना चाहना, मैं कुछ बोलांगा नहीं, बस इन्हां दे कोल रहना। ओके ठीक है, बट पेशेंट नू डिस्टर्ब ना करना। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर।
अज तो लोहड़ी है, डैड की इस हालत करके कुछ याद ही नहीं रहा। वड्डी नूं होण दे नाते अजे लोहड़ी तू अपने हथां नाल चलाएंगी। इस शुभ काम च दिवांश तेरा साथ देगा। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। लोड़ी, खुश रहो। सहदेव, शुरू हो जा।
मैं अज का दिन कितना भूल गया डैड। अज तो इन्ना वड्डा त्योहार है। डैड अज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है क्योंकि अज वाटी ते नयन दोनों की जान खतरे तो बाहर है। डैड अज इस लोहड़ी के त्यौहार तो बाद नवे साल च एक नवी शुरुआत होगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक होएगा। Cheers. दीदी जी हुण साडी जिंदगी च मौजां ही मौजां होणगियां। साडी इन्नी सालां दी मेहनत तों बाद ते इन्नियां चालां चलन तों बाद ते किन्नियां नूं रब दे कोल पहुंचाण तों बाद अज साडी मेहनत रंग लियाई है। ते हुण जीजा जी दी सारी प्रॉपर्टी साडी हो जाएगी। बस हुण फटाफट सानूं ओह खबर मिल जाए जिहदी असीं वेट कर रहे हैं। ई डॉक्टर ना नकली इलाज नूं कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहे ने। बस हुण फटाफट आके कह दें राजवीर जी नहीं रहे। चलो फिर घर चलते हैं, इतने टाइम वेस्ट करना की फायदा। ओहो भांजिया घर ही जाना हुण आपां, ओ घर हुण साडा ही ते होण वाला है। अपने हाथ खून च रंग के सानू ए खुशी मिली है। हाँ दीदी जी हाँ, पर सानू एक काम होर करना पड़ेगा। सानू सारियां नू थोड़ी जी नौटंकी होर करनी पैनी है। तेरे कहन दा की मतलब है? ओ तुहाडे विधवा होण दे अफसोस दा प्रगटावा भी तो करना है। ते तुहानू दुखी होण दी थोड़ी जी एक्टिंग होर करनी पैनी है। हुण जल्दी घर चलन की तैयारी करो ते रोण पिटन की तैयारी भी शुरू करो। एक गल कहां तुहाडे ते ना चिट्टी साड़ी ने तुहाडा सारा स्टाइल खराब कर देना। पर की करिए हुण ड्रामा तो करना ही पैना है ना। एक गल कहां दीदी जी, तुसी ना डिजाइनर कोलो दो तीन सोहनिया जी चिट्टिया साड़ियां मंगवा लो। एक होर पैग बना यार। या। ले। रुक जाओ देवांश जी, फिलहाल तुसी मम्मी जी नूं कुछ नहीं दसोगे। तुसी मेरे ते भरोसा रखो, पापा जी ते बिल्कुल ठीक होने तो बाद मैं आप मम्मी जी नूं दसांगी कि पापा जी बिल्कुल ठीक ने। पर अजे तुसी उन्हां नूं पापा जी की सेहत बारे कुछ ना दस्यो। आखिर नयन क्यों नहीं चाहती कि रीटा तक राजवीर दे ठीक होने की खबर पहुंचे? क्यों वाकई फ्यूचर च होने वाली घटनावां नूं वेख सकती है या यह सब ड्रामा है? देवांश मैनू एक गल दस कि नयन सच च फ्यूचर च होने वाले इंसीडेंट्स नूं देख सकती है? कि बुआ जी नूं सच दसना ठीक रहेगा। देवांश मैं तेरे तो कुछ पूछ रही हाँ, मैनू तेरी चुप्पी नहीं तेरा जवाब चाहिए। बुआ जी ये की गल कर रहे हो तुसी? देवांश तेरे नजरां फेर लैण नाल ना मेरा सवाल नहीं बदलन लगा। मेरिया अखां च देख ते मैनू दस सच्चाई की है। तेनू नयन दी कसम है मैनू दस की सच है। नयन नू फ्यूचर च होण वाले इंसीडेंट्स ते विजन्स आंदे ने। गुरुजी ने डैड नू दस्या सी कि मेरी जान ते बहुत वड्डा खतरा है, इसलिए डैड ने मेरा विआह नयन नाल करवा दिता ताकि नयन आने वाले खतरे नू पहले ही जान के मेरी रक्षा कर सके।
नैन सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि मेरी रूह का कवच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक गल दस, जिहड़ा तू बार बार ये नयन ने मेरी जान बचाई है, नयन ने मेरी जान बचाई है कहता रहना है, की वो सच है? हाँ बुआ जी, नयन ने मेरी एक बार नहीं बल्कि कई बार जान बचाई है। नाले सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सहदेव दी, शमशेर जी दी, ते अज उन्हें डैड की जान भी बचाई। नयन की सच्ची भगती करके माँ नैना देवी ने उन्हें वरदान दिता है। बुआ जी पहला मैनू भी यकीन नहीं होंदा सीगा, पर जब मैं अपनी अखां नाल नयन नू मेरी जान कई बार बचांदे वेख्या तब मेरा यकीन पक्का हो गया। सुन दिवंश जी, मेरी गल मन के मम्मी जी नू फोन ना करन, क्योंकि उस दिन जिदा मम्मी जी नू देख के पापा रिएक्ट कर रहे सी ना, मैनू इदा लग रहा है कि पापा जी नू जरूर कुछ ऐसा पता है जो मम्मी जी करन वाले ने। नाले एक गल होर, अलका बुआ जी ने दिवंश जी नू मम्मी जी नू कोई भी गल दसन तो क्यों रोकया? मैं दिवांश की जिंदगी बर्बाद कर दियांगी, वो अपनी जिंदगी लई पल पल तरसेगा, ते तुसी रीटा दा ये ड्रामा उपर सरगां च बैठ के आराम नाल देख। मैं अपने सुफने नू पूरा करन लई, इस प्रॉपर्टी नू हासिल करन लई अगर मैनू दिवांश की जान भी लेनी पई ना, तो मैं ये काम भी करांगी। मैं दिवांश की जान ले लवांगी। नहीं, नर्स, नर्स। यस मैम। मेरे घर तेनू बुला, मैं उन्होंने बहुत जरूरी गल करनी है, छेती बुला दो। हाँ हाँ, एक मिनट। सब ले, इस पूरे परिवार ले, वो कुड़ी इन्ना कुछ कर दी रही, ते मैं उन्हें ही गलत समझती रही। अज उहदी सच्चाई जान के ना मैनू खुद ते शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं उहदे नाल किन्ना माड़ा कीता। पर मैं तां कहनी हां कि नयन दी इह गल ना सब नू पता लगनी चाहिए है, ताकि कोई भी उस कुड़ी नू दुखी ना करे। जो गलती मैं कीती है ना कोई होर ना करे। नहीं नहीं भुआ जी, इतना करना ना नयन ते खतरा होर वध सकदा। असीं इस गल नू जिन्ना हाइड करांगे नयन लई उन्ना ही चंगा है। अच्छा सुन, की राजवीर नू कर दिया जो किसी शक है, कोई तेनू नुकसान पहुंचा सकता है? वो कौन है जिहड़ा तेरी जान दे पिछे पिया होया? क्यों ने कदे तेरे नाल कोई इदां दी गल कीती है? नहीं, डैड ने तो मैनू इदां दा कदे कुछ नहीं दस्या। दिवांश, दिमाग ते जोर पा ते याद करन दी कोशिश कर, शायद राजवीर ने कुछ तेरे नाल शेयर किया होवे, नहीं तो एडी वड्डी गल इदां सारिआं तों नहीं लुकोएगा। उहनूं घरदिआं चों किसे ना किसे ते जरूर शक है, ते हो सकदा राजवीर नूं अटैक भी इसे टेंशन च आया होवे। जो बंदा तेरी जान लैणा चाहुंदा है शायद उही राजवीर दे पिछे भी पिआ होवे। नहीं भुआ जी, डैड ने तां मेरे नाल इस बारे कदे कोई गल नहीं कीती, पर हाँ नयन ने मैनू एक बार जरूर किया सी
कि मेरी जान को खतरा है ते मेरा दुश्मन करता भी कोई हो सकता है।